Hello friends, welcome to our channel Inspirational Classes. चलिए हम लोग देखते हैं कि इस क्यूब का रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे इस पॉइंट ए और बी के अक्रॉस, मतलब फेस डायगोनल के अक्रॉस. ठीक है, इसके हर साइड का रेसिस्टेंस आर लेट किया जाता है, आर है, और हम लोग इसके अक्रॉस, इस पॉइंट के अक्रॉस रेसिस्टेंस निकालेंगे. ठीक है, ये देखिए, ये लगभग इस प्रकार का क्यूब है जिसका हर साइड का रेसिस्टेंस आर दिया हुआ है. ठीक है, तो इसका रेसिस्टेंस हम लोग आज कोलैप्स मेथड के मदद से निकालेंगे. कोलैप्स मेथड, ये मेथड से बहुत इजीली रेसिस्टेंस निकाला सकता है एक क्यूब का, 3D शेप्स का. ठीक है, समझिए, हमें इस पॉइंट और इस पॉइंट के अक्रॉस निकालना है. तो क्या हम लोग अगर इस पार्ट को फोल्ड करें, इस पार्ट को यहां से मिला दें, तो ये क्या, ये फिगर कुछ इस प्रकार का लगेगा. ठीक, समझिए, ऐसे क्यूब है, उसके बाद हम लोग इसको फोल्ड करके इस तरह से बना दे रहे हैं. ठीक है, तो इस तरह से बनाने पे क्या होगा, दो साइड्स आपस में पैरेलल में आ जाएंगे, है ना, पैरेलल में आ जाएंगे. तो ये जो फिगर है कुछ इस प्रकार दिखेगा, कुछ इस प्रकार का दिखेगा, जिसमें ये दो लोग जो है ये आपस में पैरेलल में आ जाएंगे. ये दोनों रेसिस्टेंस है, अब इस प्रकार में कन्वर्ट हो जाएगा इस फिगर में. इस जगह पे दो आर पैरेलल में आ गए, तो इसका क्या हो जाएगा रेसिस्टेंस, आर बाई टू. इसका भी हो जाएगा आर बाई टू. ये भी दो कोलैप्स हुआ, यहाँ पे दो लाइन है, तो ये भी रेसिस्टेंस जाएगा आर बाई टू. ये वाला भी, यहाँ भी दो लाइन है, देखिए, ये भी हो जाएगा आर बाई टू. यहाँ भी दो लाइन है, आर बाई टू, बट देखिए यहाँ पे कोई लाइन नहीं आया, तो ये जितना था रेसिस्टेंस उतना ही पहले रह जाएगा आर. और इस साइड भी ऐसे ही है, ये भी रह जाएगा आर. अब हम लोग उन्होंने इस फिगर को, इस क्यूब को हम लोग इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, हम लोगों ने इस क्यूब को हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया. अब इस फॉर्म से हम लोग इसका रेजिस्टेंस इजिली निकाल सकते हैं. सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों जो साइड है इसको हम लोग सीरीज में ले लेंगे, तो ये फिगर ऐसा बनेगा, कुछ कुछ इस प्रकार का बनेगा, जहां पे ये रेसिस्टेंस और ये रेसिस्टेंस जो आर प्लस आर आर बाई टू था, ये दोनों सीरीज में आ गया, तो क्या बन गया, थ्री आर बाई टू. वैसे इस तरह आर प्लस आर बाई टू आया, तो क्या बन गया, थ्री आर बाई टू. अब जैसे कि आप लोग व्हीटस्टोन पढ़ा ही होगा कि अगर इस साइड का रेसिस्टेंस का और इस साइड का रेसिस्टेंस का रेशियो जो है इस दोनों के बराबर हो जाए, जैसे आप क्या है, आर बाई टू और थ्री आर बाई टू, इसका जो रेशियो क्या हो जाएगा, आर बाई टू थ्री आर बाई टू, ये रेशियो क्या हो गया, वन बाई थ्री का रेशियो हो गया. ठीक है, वैसे इस साइड का रेशियो क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड का, इस साइड का भी रेशियो हो जाएगा वैसे ही आर बाई टू बाई थ्री आर बाई टू. ये भी हो जाएगा वन बाई थ्री. दोनों का अगर रेशियो इक्वल हो जाता है तो यहां का करंट यहां पे फ्लो नहीं करता है, इस जगह पे करंट फ्लो नहीं करता है. ठीक है, इसको हम लोग नेगलेक्ट कर सकते हैं. अब इस फिगर को हम लोग कुछ इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से बना सकते हैं. अब क्या हो गया, ये जो दोनों है, ये वाला और ये वाला, दोनों सीरीज में आ गया और ये दोनों सीरीज में आ गया. ठीक है, तब इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये फिगर फिर ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा एट लास्ट, ये आर बाई टू. आर बाई टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, सिंपली एड होता है सीरीज में, या थ्री आर बाई टू. थ्री आर बाई टू क्या होगा, सिक्स आर बाई टू, मतलब थ्री आर. ठीक है, तब ये दोनों पैरेलल में आ गया, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वन बाय आर इक्विवेलेंट वन बाय आर प्लस वन बाय थ्री आर के बराबर होगा. ठीक है, ऐसे हम ले लेते हैं, थ्री आर आर थ्री प्लस वन वन बाय आर इक्विवेलेंट. तो यहां से आर इक्विवेलेंट क्या आ जाएगा, थ्री आर बाय फोर. ये है क्यूब का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब हम लोग उस क्यूब को फेस डायगोनल के अक्रॉस करते हैं, मतलब यहां से फेस डायगोनल में. ठीक है, कोलैप्स मेथड ये देखिए कितना इजीली निकल जाता है ना. थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल.